Hey, good morning, class. Today we'll start with 9th CBSE. Mein. This is 9th CBSE lines and angles, that is mathematics. Mein. Hum lines and angles ke solutions shuru kar rahe hain, that is exercise 6.1 ke solutions. Questions. चलो तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे सामने. देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ठीक है, तो ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है. ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, कितना तो हमें क्लियर है सर, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, है ना. अब इसमें क्या कहा हुआ है, दैट एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई. सबसे पहले तो ये देखो, आपको एंगल देखना आता या नहीं आता. एंगल एओसी का मतलब क्या, कि भाई ये ए से शुरू हुआ, ए पॉइंट से शुरू हुआ, ओ पॉइंट पे आए और फिर सी पॉइंट पे आ गए, तो ए ओ और सी, यानी कि ये एंगल बना. ठीक है, सो एंगल एओसी प्लस एंगल कौन सा, प्लस एंगल बीओई, यानी कि बी पॉइंट से ओ पॉइंट से ई पॉइंट तक. तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, ये इधर आ गया. इन दोनों एंगल का प्लस दिया हुआ है 70 डिग्री. ना ये 70 डिग्री है ना ये 70 डिग्री, ये दोनों का प्लस हमें दिया हुआ है 70 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अभी अपन को देखो कैसे ये सम को सॉल्व करना है फिर. और क्या बोला हुआ आगे, और भी कुछ गिवन चीजें, क्या गिवन चीजें, बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री. इसका काफी अच्छा यूज कर सकते हैं हम. बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री मतलब ये बी एंगल, ये ओ एंगल और ये डी एंगल, ये दिया हुआ है हमें 40 डिग्री. और हमें नहीं दिया हुआ है कुछ भी, ना ये दिया हुआ है और ना ही ये दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है आपका बीओडी एंगल 40 डिग्री है. ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बोला हुआ फाइंड बीओई एंगल. दिख रहा है बीओई, ये रहा बी ओ और ई. अब ये एंगल हमें फाइंड करना है. ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है एंगल सीओई, ये रहा सीओई एंगल. ठीक है बच्चों, तो अभी तक अपन ने पढ़ाई कैसे करी है, अभी तक अपन ने ये पढ़ाई करी है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब मैं आपको कह सकता हूं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री. सर क्या दिस दिस लगा लगा, चलो तो अपन इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं. क्या ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन? ओके, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. अब अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल मतलब के बी ओ ई, क्या एंगल बी ओ ई प्लस कौन सा एंगल, दिस एंगल, यानी कि ई पॉइंट से शुरू किया, ओ पॉइंट और सी पॉइंट, तो एंगल ई ओ सी प्लस एंगल ए पॉइंट शुरू किया ओ और सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 100 डिग्री. ऐसा क्यों लिखा सर हमने, हमने बच्चों ये इसलिए लिखा है बिकॉज दे आर लीनियर पैर. क्या है ये, लीनियर पैर है, वो भी आपको क्लियर है लीनियर पैर क्या होता है, है ना. लीनियर पैर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी रे गिर जाती है तो दोनों एंगल के प्लस जो है वो 100 डिग्री होता है. अच्छा, नॉट ओनली एक रे, अगर दो या तीन रे भी एक पॉइंट पे आ जाती है स्ट्रेट लाइन के तो बाकी एंगल्स भी 100 डिग्री के प्लस होंगे. सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी 100 डिग्री के प्लस हो गया, यानी कि बीओ इज इक्वल टू कितना नहीं मालूम, ईओसी सीओई नहीं मालूम, एओसी सीओई नहीं मालूम. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को, कौन से दोनों एंगल को, आप देख लीजिए अच्छे से, एंगल एओसी और बीओई को हम साथ में लिख देंगे, यानी कि एंगल बीओई प्लस एंगल एओसी और प्लस जो हमारा एंगल है दैट इज एंगल ईओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो बीओई और एओसी, इन दोनों का प्लस हमें पहले ही बुक में दे दिया था, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा. इन दोनों का प्लस हमें कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब सर आप ऊपर एंगल लिख रहे हो ईओसी, नीचे एंगल लिख रहे हो सीओई, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम टू सेम है. अब मैं विराट कोहली बोलूं या कोहली विराट बोलूं, प्रश्न तो सेम ही रहेगा ना. वैसे ही मैं एंगल ईओसी बोलूं या सीओई बोलूं, एंगल सेम ही रहता है. ठीक है, बस आगे पीछे पॉइंट्स हो गए. ओके, सो एंगल सीओ इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, एंगल सीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल सीओई इज इक्वल टू कितना 110 डिग्री. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, क्या पूछा हुआ है, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई.
यानी कि 360 माइनस 110 डिग्री, यानी कि कितना हो गया, 60 माइनस 110 डिग्री, 60 माइनस 10 50, 250 माइनस 360 माइनस 100 250 डिग्री, तो क्या मिल गया हमें, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्या सम कंप्लीट हो गया? नहीं, एक पार्ट बाकी रह गया है बच्चे, देखो एंगल बीओई भी फाइंड करना था, ठीक है, इसको तो आप नोट कर सकते हो, इसमें तो कुछ भी आपको इतना टफ लगा नहीं होगा, चलो फिर भी एक बार आप ट्राई करना नोट करने की। अब देखो मैं ये बताता हूँ एंगल बीओई कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एंगल बीओई को फाइंड करने के लिए, एंगल बीओई को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ है ना, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखना कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या लाइन है ये, ए बी, और एक और स्ट्रेट लाइन है, कौन सी लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या लाइन है ये, सी डी, ठीक है। तो इधर मैं छोटा सा सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ही छोटा सा इसका रीजन स्टेटमेंट है, देखो एग्जाम में अगर आप स्टेटमेंट है लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं, आपको स्टेटमेंट से बराबर ध्यान रखना, ओके स्टूडेंट्स, यस। तो देखो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, स्ट्रेट लाइन तो है ही और साथ में इंटरसेक्ट भी कर रही है, ईच अदर कहां पे, ईच अदर एट ओ, तो अगर वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, एक ऊपर वाला एंगल और एक नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि सर देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे थे तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट में है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं दैट देयरफॉर एंगल कौन सा, पहले ऊपर वाला एंगल लिख देता हूं सी ओ ए, राइट, ठीक है, तो एंगल लिख देते हैं, एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, सी ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ओ डी हो गया, तो सी ओ ए कितना है, सी ओ ए है नहीं मालूम, बी ओ डी है, हाँ बी ओ डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 40 डिग्री, तो बी ओ डी हो गया 40 डिग्री, तो एंगल सी ओ ए कितना हो गया 40 डिग्री। फाइंड क्या करना था, बी ओ ई, सर क्या गोल गोल घुमा रहे हो, बी ओ ई फाइंड करना है और आप फाइंड कर रहे हो ये एंगल, ये एंगल मैंने इसलिए फाइंड किया है सो दैट अब आपके पास में ये एंगल मिल गया 40 डिग्री, आपको मालूम है इन दोनों एंगल का प्लस 70 डिग्री था, तो इट इज बट ऑब्वियस कि आप तीसरा भी फाइंड कर लोगे, क्या बोलोगे कि इन दोनों एंगल का प्लस हमें पहले से दिया हुआ था, एओसी और बीओई का प्लस हमें पहले से दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 70 डिग्री, ओके बट ऑब्वियस सर 30 डिग्री आ तो गया, लेकिन सॉल्व करके बता देता हूं क्या, गिवन दैट क्या चीज दी हुई है, दैट एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, BOE का ये रहा, AOC का ये रहा, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस कितना है 70 डिग्री, इज इक्वल टू 70 डिग्री, और सर अभी अभी मैंने एंगल COA फाइंड किया था, कितना COA कितना था 40 डिग्री, यहाँ AOC है यहाँ COA है, चलेगा आप यहाँ पे एक काम करो एक लाइन और एक्सटेंड कर दो, और नहीं तो क्या, तो एंगल AOC कितना हो गया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल BOE is equal to 70 degree minus 40 degree, कितना हो गया angle BOE, very simple, कितना 30 degree, okay students, very good, I hope आपको ऐसा video पसंद आया है, और मैं ऐसे बहुत सारे solutions अपने NCERT के, specially prove that वाले chapters में, lines and angles, triangles, ठीक है, congruency, और ये सब जो अपने quadrilateral के ऊपर जो अपने छोटे मोटे प्रूव करेंगे, इनके ऊपर मैं special videos बनाऊंगा, and specially on our NCERT question, उसके बाद में अगर अपन को और पसंद आए, तो हम जरूर extra questions, practice questions भी अपलोड करेंगे। Okay, students, thank you so much. Keep supporting us.